कि संघर्ष टू का आपने देखा ही है कि आज चौथे सप्ताह में जी आज के डेट में, जबकि कोरोना काल के बाद, नोटबंदी के बाद, कोरोना काल के बाद ऐसा लग रहा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री ही ख़त्म हो गई। कोई सिनेमा ना चलना, ना लोगों का आना, ना जागरूकता जो थी वो सब मोबाइल के द्वारा ही देखी जा रही थी। लेकिन संघर्ष के आने के बाद एक ऐसी आस जगी है कि होता है ना कि मरते को तिनका का सहारा, डूबते को तिनका का सहारा, तो वो सारी चीज़ें हुई। और संघर्ष टू के जितने भी टीम है सबने अपने लेवल पे, हर आदमी ने मेहनत की, और रत्नाकर जी ने भी बहुत मेहनत की, पराग सर, मेगा श्री, माही श्रीवास्तव, सब्बा खान, मानी जितने भी कलाकार आर्टिस्ट हैं, कैमरामैन से लेकर टेक्नीशियन जितने भी हैं, स्पॉट बॉय, हर आदमी ने अपना जी जान लगा दिया। हमारा फाइट मास्टर मलेश जो कि साउथ से आते हैं, उन्होंने कमाल का, दिलीप जी ने उसमें कमाल का किया। हमने एक सिनेमा में तीन तीन फाइट मास्टर से हमने काम किया, डांस मास्टर हमारे सब अलग अलग थे, तो कोशिश है कि सबका इनपुट हमारे चीज़ों के लिए मिले, और वो जब आउटपुट निकल के आया तो बहुत कमाल का निकल के आया। हमने भी देखा, हमारी बेटी कृति ने बहुत प्यारा काम किया, वो मुझसे भी बेहतर एक्टिंग की, तो हर आदमी का कहीं ना कहीं 110% था, तभी वो सिनेमा इतना बड़ा हिट हुआ। आपने संघर्ष टू का सवाल छेड़ ही दिया है, तो सबसे पहले मुझे तो लग रहा है कि आप सुपरस्टार थोड़ा सा कम हो चुके हैं, क्योंकि आप कृति की एक्टिंग के सामने आपका एक्टिंग थोड़ा कहीं ना कहीं बौने टाइप का तरफ दिखता है, क्योंकि जो फ्लो है, जो डायलॉग डिलीवरी है, वो ऐसा लग रहा है कि वो एज ए मिच्योर आर्टिस्ट आपको भी कहीं ना कहीं वो काट चुकी है। देखिए, एक पिता के लिए, एक पिता के तौर पे मैं सोचूं तो मुझे लगता है कि उससे बड़ी खुशी एक पिता को नहीं हो सकती कि उसके औलाद उससे बेहतर करे। और हर पिता का यही अपेक्षा होता है, हर पिता का यही उद्देश्य होता है कि उसके औलाद उससे बेहतर करे, उससे बड़ा नाम करे। तो कृति का एक्टिंग लाइन में कोई ज़्यादा दिलचस्पी होता ही नहीं है, वो पढ़ाई पर अपना ध्यान ज़्यादा रहता है, उसको कुछ अलग बनना है। वो तो सबने, जब बैंकॉक हम गए थे तो सबने कृति का बोलना, कृति का व्यवहार, कृति का संस्कार जब उन लोगों ने देखा कि मैंने एक सुपरस्टार की बेटी है और वो कुर्सी पे नहीं मिला तो जमीन पे भी बैठ गई, सुबह उठते ही दोनों बच्चे मेरे सबका पांव छूते हैं, इनकेस कि वो सुबह उठते हैं तब भी पांव मेरा छूते हैं, अगर मैं घर पे रहता हूँ वो सोने जाते हैं तब भी मेरा पांव छू के ही सोते हैं। तो वो एक उनके अंदर एक संस्कार गाँव वाला आज भी है, जो हमें अपने बच्चों को देना भी चाहिए कि कोई भी हो, वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसका लेबल क्या है, मैंने ये नहीं रखता है, वो हमसे बड़ा है तो हमें उसका पैर छूना चाहिए, और उसका आशीर्वाद ही हमें बड़ा बनाता है। चौथे सप्ताह में फिल्म रिलीज हो चुकी है, मतलब प्रवेश कर चुका है, और सिंगल स्क्रीन को आपने कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री को जिंदा कर दिया, क्योंकि मैं कई थिएटरों में रिव्यू किया हूँ तो सभी लोगों ने बोला कि खेसारी जी की जो फिल्म आई है ये भोजपुरी को बदलना है, लॉकडाउन के बाद के खासकर। तो क्या ऐसा और यूनिक होने वाला है कि इसी तरीके से खेसारी जी करने वाले हैं? देखिए, कुछ फिल्में मैं किया हूँ ऐसी भी कि जो कि उस लेवल की नहीं बनी है, जो मैंने संघर्ष से पहले की है और वो भी रिलीज नहीं हुई है, तो आएगी तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो मुझे होगा, बट मैं संघर्ष के बाद जितने भी फिल्में की है मैंने कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की है, उससे बड़े लेवल की बनाने की हम सबने कोशिश की है। इसके बाद रंगदे बसंती, जो कि हमने एक फाइट को मुझे लगता है कि 6 दिन किया, दो फाइट जो कश्मीर में किया हम लोगों ने 18 से 19 दिन किया, लगातार 4 फाइट है या 5 फाइट है उसमें, लेकिन सबका 4 दिन 5 दिन ऐसे करके कम से कम 55 दिन का शूट हम लोगों ने किया। गाने हम एक गाने 4 दिन में किए जिसमें 500 डांसर यूज हुए हैं, दिलर मेहदी साहब ने उस गाने को गाया भी है। तो कोशिश अब है कि अब जितना बड़ा अपने भोजपुरी भाषा को, जो लोगों के नजर में उसकी छवि खराब थी, लोगों के नजर में उसका अहमियत बहुत छोटा था, उसको बड़ा कैसे किया जाए, तो वो एक माध्यम सिनेमा ही है जिससे हम अपने भाषा की गरिमा को बड़ा कर सकते हैं, जिससे अपने भाषा की गरिमा को दुनिया को बता सकते हैं, क्योंकि वो सिनेमा ऐसा चीज होता है कि हर आदमी के पास वो जाता है। तो इसीलिए कोशिश ये है कि सिनेमा के माध्यम से अपने भाषा की गरिमा बहुत बड़ी है, लेकिन जो लोगों के नजर में उसकी छवि है, जो धूमिल हुई है, चाहे वो संगीत के माध्यम से हो या लोगों के यूट्यूबरों के मामले से हो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी चीज ऐसी आती है कि अपने यहाँ का तो जानते ही हैं आपकी क्या प्रॉब्लम है, कि कोई किसी को गाली दे देता है सिर्फ 10 व्यूवर के लिए, कोई किसी को कहीं स्तर पे नीचे गिरा देता है, चाहे वो यहाँ तो प्रधानमंत्री तक को गाली देने को ले। हिंदुस्तान तो देखिए ऐसा आजाद है कि हिंदुस्तान अभी यहाँ से आजाद नहीं है, जुबान से आजाद हुआ है,
जुबान से इतना आजाद हो गया है हिंदुस्तान, मानसिकता आज भी गुलामों वाली है, मानसिकता जो है वो गुलामों वाली ही है कि अगर मैं किसी को 10 उल्टा बोल दूंगा तो शायद मेरा अहमियत बन जाएगा। तो करके अहमियत बनाओ ना, किसी को गलत ठहरा के अहमियत बनाने से अच्छा है कि आप खुद पे काम करके अपने आप को बढ़िया बना लो। तो ये मानसिकता नहीं है, मानसिकता है कि नहीं भाई हम गलत बोल के ही बड़ा बनने, तो वो ज्यादा देर का लाइफ नहीं होता है। और आप जो गाली दे रहे हो, ग्लोज कर रहे हो, किसी को उल्टा बोल रहे हो, आने वाला भविष्य जो सोशल साइट पे आप करते हो, मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य में आपका भी बच्चा बड़ा होगा तो आपको कहीं ना कहीं वो तो देखेगा ना इस बात को कि मेरे पापा ने सोशल साइट पे क्या किया है, क्या बेहतर किया है, क्या गलत किया है, तो वो कहीं ना कहीं उसके संस्कार में असर पड़ेंगे और आपके बच्चों पे वो असर डालेगा। तो कोशिश हमेशा ऐसा ही करना चाहिए कि आप आज आपको लगता है कि आप अकेले हो, कल आप पिता भी बनोगे, कल आप दादा बनोगे, तो एक वो मानसिकता तो आपके बच्चों में रहेगी ना, तो आप कैसे सुधारोगे दुनिया को गाली देते समय उसको कि तुम गाली दुनिया को मत दो, क्योंकि आपने तो जब अपने उम्र में थे तो आपने खुद ही दुनिया को गाली दी। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बहुत मायने रखता है। तो हमें अभी से सुधारना पड़ेगा, सामने बातचीत होना, गाली गलौज करना या झगड़ा करना वो अलग विषय हो गया, लेकिन सोशल साइट पे हम लोग को थोड़ा सा बचना चाहिए और सबको मर्यादित बात करनी चाहिए, चाहे वो जिस लेवल पे हो, चाहे उनका अहमियत छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन अब बातें मर्यादित करिएगा तो आपसे जुड़ने वाले भी लोग मर्यादित ही होंगे। लेकिन भैया सबसे पहले